बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर जो बड़ी खबर है वो प्रयागराज से है। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर लगभग 1.5 करोड़ लोग डुबकी लगाने पहुंचे हैं, या आस्था की डुबकी है। एक महीने से लगभग ये कल्पवास चल रहा था जो आज समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज में आज सुबह से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही है। स्नानार्थियों का 4 बजे सुबह से ही स्नान और पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। संगम में स्नान के लिए कुल 40 घाट भी बनाए गए हैं। स्नान पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी की मदद से सब पर निगरानी रखी जा रही है। पुलवामा के आतंकी हमले की वजह से प्रमुख स्थानों की सुरक्षा NSG व ATS कमांडो के जिम्मे है। पुलवामा की घटना के चलते पूरा मेला क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन अभियान भी चलाया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि मेले में खुफिया विभाग ने कोई ठोस इनपुट नहीं दिया है, लेकिन पुलवामा की घटना से सबक लेते हुए माघी पूर्णिमा पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यूपी में आज 2 बड़े हादसों से करीब 12 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक हादसा कार के नहर में गिर जाने से, तो दूसरा हादसा तेज रफ्तार एम्बुलेंस के डिसबैलेंस होकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाने की वजह से हुआ। पहले हादसे में करीब 5 लोगों की जाने गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरे हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल भी हुए हैं। पहला हादसा बुलंदशहर में सामने आया, जहां कार के नहर में गिर जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। परिवार वृंदावन जा रहा था कि तभी अनूप शहर की मखेना नहर में गिर जाने से हादसा हुआ। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को निकालने में जुट गई थी। और वहीं दूसरी तरफ जो ये बड़ा हादसा हुआ है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जहां नोएडा से आगरा की तरफ आ रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और रॉन्ग साइड आ गई। एम्बुलेंस के दूसरी तरफ आ जाने से करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसे ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के सरोजिनी नगर एयरपोर्ट पर विदेश से आए 2 यात्रियों से कस्टम अधिकारियों ने लाखों रुपए का सोना बरामद किया है। इस मामले में 1 यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कस्टम विभाग की उपायुक्त निहारिका लाखा के मुताबिक मास्क से शाम करीब 8 बजे राजधानी के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचने वाले ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट से बुधवार को पहुंचे 1 यात्री को जांच पड़ताल के दौरान अमौसी एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 24,25,530 रुपए की कीमत का 699 ग्राम सोना बरामद हुआ। सोने को एक इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट के अंदर रेडियम से पॉलिश किए हुए रिंग के रूप में छुपा कर रखा गया था। पूछताछ में यात्री ने अपना नाम देवरिया जिले का रहने वाला पिंटू बताया है। तो वहीं कस्टम अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार रात्रि करीब 12 बजे बैंकॉक से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे थाई स्माइल एयरलाइंस की फ्लाइट से भी 1 यात्री के पास से सोना बरामद हुआ है। ये सोना भी बिना सीमा शुल्क चुकाए ही चोरी छुपे लाया जा रहा था। करीब 6,22,862 रुपए कीमत का 169.500 ग्राम सोने को यात्री ने अपने पैरों में पहने सैंडल में लगे हुए 6 हुक के रूप में लेकर यहां पहुंचा था। पूछताछ में यात्री ने अपना नाम टीडागढ़ नॉर्थ 24 परगाना निवासी रविपाल बताया है। सोना कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री काशी वासियों को लगभग 2900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स परिसर में दुनिया के पहले डीजल से बिजली में परिवर्तित इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिसर में उन्होंने दिव्यांगों से भी मुलाकात की। उसके बाद पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन किया। वाराणसी में अपने लगभग 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रोहिंग्या विधानसभा क्षेत्र के औड़े गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचकर टाटा कैंसर अस्पताल का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जहां पर वो कैंसर अस्पताल के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओड़े गांव जाएंगे। वहां मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 2900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से जुड़े पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रियंका ने उनसे कहा कि वो ऊपर से कोई चमत्कार नहीं कर सकती, बल्कि पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस से जुड़े सभी लोगों को संगठित होना होगा और सहयोग करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का वॉर रूम कहे जाने वाले 15 गुरुद्वारा
रकाबगंज रोड पर करीब सवा घंटे की बैठक में प्रियंका ने बुंदेलखंड में पार्टी संगठन की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि प्रियंका गांधी ने कहा बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, वह ऊपर से कोई चमत्कार नहीं कर सकती, पार्टी की जीत के लिए आप लोगों को संगठित होकर काम करना होगा और मेरा पूरा सहयोग करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे अनिल के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ओएन न्यूज। नमस्कार।